का मतलब 38 दिन तक जेल में भी डाल दिया था, बीजेपी से लड़ाई थी। अब फिर लोग कल हमारे गोविंद डोटासरा जी कह रहे कि राजेंद्र गुड्डा तो बीजेपी से मिला हुआ है। मैं कहता हूं हमारी वसुंधरा जी और गहलोत जी मिलते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, और मैं नरेंद्र जी खिचड़ी यहां बैठ गए तो दिक्कत हो गई। अब ये तो सरकारी प्रोग्राम है, मैं आपको एक ही बात बताना चाह रहा हूं, एक ही बात कि मेरे तो मुझे तो सांसद महोदय दूसरा काम भी नहीं आता, मुझे तो आदत पड़ गई इन लोगों के बीच में रहने की, और चाहे सच बोलने की भी पड़ गई। और हकीकत है मैंने कुछ भी नहीं कहा था, मैंने सिर्फ इतना सा कहा था कि यार मणिपुर की बात कर रहे हो, महिलाओं के साथ तो अत्याचार बुरे काम हमारे राजस्थान में ज्यादा हो रहे हैं, इसको भी देखो। सिर्फ इतनी सी बात कही थी मैंने, बहन सविता मैंने सिर्फ इतना सा बोला था कि पूरे राजस्थान को भी ठीक करो, हमारी माता बहनों के साथ यहाँ जो अत्याचार हो रहे हैं, दुष्कर्म हो रहे हैं, अपने गिरिबान में झाको। सिर्फ इतनी सी बात के लिए मुझे मंत्रिमंडल से बाहर कर दिया, मेरे से इस्तीफा मांग लेते मेरे इस्तीफा दे देता, मुझे बुला के नोटिस देते, पूछते सीता, अरे जज भी पूछता है, सबसे पहले मुकदमा चलता है, तो मुकदमा पुलिस में दर्ज होता है, उस मुकदमे के बाद में मुकदमे का चालान होता है, छोटे कोर्ट से बड़े कोर्ट में मुकदमा सबमिट होता है, फिर उस मुकदमे के बाद चार्ज लगता है, फिर उसमें गवाह लगते हैं, फिर उसके अंदर सफाई के गवाह लगते हैं, फिर उसमें मुलजिम बयान होते हैं, फिर उसमें आमने सामने वकीलों की बहस होती है, उसके बाद जज फैसला करता है, और उस मुकदमे की भी अपील हो जाती है। मुझे तो सीधा ही उड़ा दिया, एक सेकंड भी राजेंद्र गुड्डा बर्खास्त। अरे राजेंद्र गुड्डा नहीं होता, मुख्यमंत्री जी आप जेल में होते, ये राजेंद्र गुड्डा ने वो डायरी नहीं निकाली होती, उस दिन मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से कहा गुड्डा सब कुछ तेरे हाथ में है आज मेरा, और उसके बाद आपके भाई ने नौवीं मंजिल पे जाके 150 सीआरपीएफ के जवानों के बीच से निकल के गेट तोड़ के नवी मंजिल से, वो मैंने नहीं निकाली होती तो आज गहलोत साहब जेल में होते, मुख्यमंत्री नहीं होते। और आपने कहा भी बेटे के जन्मदिन पर आए कि राजेंद्र गुड्डा नहीं होता तो मुख्यमंत्री में नहीं होता, आपने कहा था। ऐसी क्या कह दिया, मैंने तो सिर्फ इतना सा ही कहा था कि राजस्थान में महिलाओं के साथ दुष्कर्म हो रहे हैं, आपने मुझे विधानसभा में भेजा भी इसीलिए था कि मैं वहां जाके सच बोलूं, मैं हमारी बहन बेटियों ने मुझे वोट देके राजस्थान की विधानसभा में भेजा था, हमारी बहन बेटियों ने आपके वोट से मैं विधानसभा में गया था, और उसके बाद में जब आप हमारी बहन बेटियों की हमें हिफाजत नहीं कर पा रहे थे, इनके साथ रोज दुष्कर्म हो रहे थे, तो मैं उस पर बोल गया राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत में, ये मेरा गुनाह हो गया। तो मैं कहता हूं चाहे कुछ भी हो जाए, इस उदयपुर वाटी की जनता आपका प्रतिनिधि हूं, पूरी ताकत से लड़ता रहूंगा, चाहे विधानसभा में रहो, चाहे हार जाए, चाहे जीत जाओ, चाहे जेल में रहो, चाहे बाहर हो, मरते दम तक इस उदयपुर वाटी शेखावाटी के लोगों की हिफाजत के लिए आखिरी दम तक लड़ता रहूंगा।